साढ़े नाल तजिंदर सिंह जी फोन लाइन से जुड़े ने, मुलाजम यूनियन के आगू ने। तजिंदर जी, तुसीं सुनिया होना मुख्यमंत्री एक बार पहला उन्होंने ट्वीट किया, हुण तां बयान दे गए ने, तो वह कह रहे हैं कि भावें मुलाजमान ने इहनूं धमकी मनना तां धमकी मान लण, पर जे कलम छड्डी तां मुड़ के कलम देनी है नहीं, यह सरकार तय करेगी। देखो जी, जिहड़ा मानयोग सीएम साहब का यह हुण बयान आया, सीएम साहब ने अपने बयान च खुद ही कहा है कि जे उन्हां दीआं कोई जायज़ मंगां ने तो मेरे तक कौन है। सो असी जायज़ मंगां दा जिहड़ा डेढ़ साल तो सरकार नूं अपना मंग पत्र भेज रहे हैं और ढाई साल तो सूबे के अंदर सुपरिटेंडेंट दीआं पोस्टां खाली ने, सुपरिटेंडेंट ग्रेड टू दीआं जिहड़ियां 50 पोस्टां खाली ने, सीनियर सहायकां दीआं 130 पोस्टां खाली ने। फरीदकोट जिला एक अजिहा जिला आ जिहनूं बणे नूं वी 50-52 साल का समा हो गया, पर डीसी दफ्तर के जिथे 120 क्लर्क उत्थे होने चाहिए आ, 120 क्लर्कां दी बजाए 54 क्लर्क काम कर रहे हैं जदों दा फरीदकोट जिला बनिया। असीं यही तां सीएम साहब नूं कह रहे हैं कि उत्थे 120 क्लर्क चाहिए है लोकां दे काम। तजिंदर जी, जिहड़ा मुख्यमंत्री जिक्र कर रहे ने, उह कह रहे ने कि तुहाडे कोई साथी जिहड़े कि भ्रिष्टाचार के मामले च फड़े गए ने, उहनां नूं लै के सरकार ते दबाव बनाउणा चाहुंदे ने मुलाजम। जिहड़ी भ्रिष्टाचार वाली गल आ उहदे जिहड़ा प्रति साडा वी, जे मान साहब की सरकार की करप्शन प्रति जीरो टॉलरेंस है तो असी भी इस सूबे के वासी हाँ, साडा भी मुतला फर्ज है कि असी अपने सूबे नूं करप्शन मुक्त बनाईए, जिहदे विच साडा जिहड़ा सब तो पहला सहयोग होना चाहिए। पर इत्थे मैं तुहानूं दसना चाहुंदा है कि जिहड़ी पटवारी ते कानगो एसोसीएशन ने हड़ताल की है ना, उन्होंने किसी पटवारी कानगो नूं किसी करप्शन के केस कोई परचा दर्ज होया या गलत जिहड़ा बिना इनकुआरी दर्ज होया, वो पटवारी कानगो एसोसीएशन ने उहदा करके हड़ताल की है। डीसी दफ्तर कर्मचारी यूनियन एक वक्री यूनियन है, डीसी दफ्तर कर्मचारी यूनियन ने हड़ताल सिर्फ से सिर्फ अपने दफ्तरी मंगा नूं लैके कीती है, ना कि अपने किसी करप्ट कर्मचारी नूं बचाउण दी खातर। तजिंदर जी, इस तों पहलां भी की मीटिंगां होईयां ने, पहलां कोई सरकार ने कदे मंगा नूं लैके भरोसा दिता? देखो जी, सीएम साहब ने सानू जलंधर दे विच क्लब कबाना दे विच मीटिंग दित्ती सी 2 महीने पहला, असी उत्थे सवेरे 11 बजे चले गए और 11 बजे तों लैके शाम 6 बजे तक सानू उत्थे बिठाया गया, बिना मीटिंग किए सीएम साहब साढ़े को उतों चले गए। उस तो बाद 6 जून की जी भवन विखे सीएम साहब ने मीटिंग फिक्स कराई, चीफ मिनिस्टर ऑफिस तो पत्र जारी होया मीटिंग का, पर जो असं उ मीटिंग से गए हाँ सीएम साहब उत्थे मीटिंग आप तो आए नहीं, इन्होंने रेवन्यू मिनिस्टर साहब से एफ टी एस साहब से। असी 6 जून 2023 भवन मीटिंग करके आए हैं, उस तो बाद 4 जुलाई मानयोग मंत्री जेडे ने साढ़े महकमे के ब्रह्म शंकर जिंपा जी उन्हां दी मौजूदगी दे विच एफ सी आर साहब नाल डीसी दफ्तर जलंधर मीटिंग हुई। 2 मीटिंगां होण दे बावजूद साडियां मंगां उत्थे दीआं उत्थे खड़ियां ने। सो जे असीं अपनियां प्रमोशनां करन लई अपने जिहड़े साडे जायज़ हक आ उहनां नूं लैण लई असीं सीएम साहब नूं भेजदे हां, तां साडी स्ट्राइक तां 11-12-13 तरीक नूं आ। असीं 1.5 साल तो मंग पत्र भेज रहे हां, मीटिंग सानूं कोई नहीं मिल रही, सरकार वल्लों मंगां दी पूर्ती कोई नहीं हो रही, ते साडे नाल सीएम साहब एक वारी मीटिंग तां करदे पहलां, जायज़ मंगां दी गल कर रहे ने सीएम साहब अपने बयान च, ते सारियां जायज़ ने जी, नजायज़ कीड़ी है। तुसीं मीटिंग लई तैयार हो, पर जे मुख्यमंत्री कहने कि तुसीं जे हड़ताल ते जांदे हो तां कार्रवाई होगी, सख्त कार्रवाई, तां जे सरकार नहीं सद्दी तुहानूं मीटिंग दे लई, तुसीं बजेदों अपनी हड़ताल दित्ते? नहीं देखो, इहदे विच जिद करन वाला ते कोई कम नहीं, क्योंकि जिद तां करदे आ बच्चे। असीं एक सुलझी हुई सूबे दे असीं सरकारी मुलाजम हाँ, असीं सूबे दे वसनीक भी हाँ और मान साहब की सरकार का असीं पूरा सहयोग करते हैं, समर्थन करते हैं और आम आदमी पार्टी की सरकार चुन दे विच इस वारी सारे नूं पता कि सूबे दे मुलाजमान का बड़ा वड्डा योगदान रहा, क्योंकि असीं भी दूजियां पार्टियां तो परेशान सी, इस करके असीं भी सोचते सीगे कि मुलाजमान दीआं हक्की मंगां नूं पूरा करन लई असीं एक वारी आम आदमी पार्टी की सरकार नूं लैके आउणा आ। सो असीं ही इह सरकार चुन के लिआंदी आ, असीं हुण वी सरकार दे नाल आ, पर जे सीएम साहब कहणगे भी तुसीं हड़ताल तों वापस आओ नहीं तां तुहाडी कलम खोली जाऊगी, जे सीएम साहब साडियां जायज़ मंगां लई संविधानक हक जिहड़ा साडा एजिटेशन करन दा उहनूं खोणगे, तां जे सीएम साहब ने साडे कोल कलम वापस लैणी आ ते लै लैण। पर मैं तुहाडे माध्यम राहीं इक चीज़ इह जरूर दसणा चाहुंदा आ मानयोग सीएम साहब नूं ते सारे सूबा वासियां नूं कि सीएम साहब कहिंदे असीं इहनां नूं कढ के नवीं भर्ती कर लांगे, तुसीं दसो असीं 3 दिन की हड़ताल की है ते बजाए कि सीएम साहब सानूं मीटिंग च बुलाउंदे सानूं कढ़न की तैयारी च ने, जे सानूं सीएम साहब 11 तरीक की हड़ताल तो बाद कढ़ देणगे कि सूबे के जिन्ने मुलाजम आ एक दिन के उन्नी भर्ती करके साडी जगह से मुलाजम बिठा सकती है सरकार, ये कदी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता कि नवीं भर्ती करने लई पहला तो इश्तहार जारी करना पैंदा,
फिर उन्हां दा रिटन एग्जाम हुंदा, फिर उन्हां दा कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट। बिल्कुल एक लंबी प्रक्रिया, पर जे सरकार तुहानूं सद्दी आ मीटिंग लई तुसीं राजी हो जाण दे लई? असी कदी ना ही नहीं करते जी मीटिंग लई, असी तां सीएम साहब दी क्लब कबाना दे अंदर 6 घंटे वेट करते रहे मीटिंग लई, सवेरे 11 बजे लैके शाम 5 बजे तक।